हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लेसमेंट बडीज। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टेम्परेचर मेजरमेंट के लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं, सो टुडे इन दिस लेक्चर वी विल कंपेयर दी मेथड्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट विच आर मेजरमेंट बाय आरटीडी, मेजरमेंट बाय थर्मिस्टर एंड मेजरमेंट बाय थर्मोकपल। सो हम लोग क्या करेंगे कि एक एक पैरामीटर्स उठाएंगे एंड वी विल सी उस पर्टिकुलर पैरामीटर पे आरटीडी मेजरमेंट बेस्ट है या थर्मिस्टर मेजरमेंट बेस्ट है या थर्मोकपल मेजरमेंट बेस्ट है। ओके, एंड वी विल ऑल्सो सी द फीचर्स ऑफ द टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस एज पर दैट पर्टिकुलर पैरामीटर। सो आवर फर्स्ट पैरामीटर इज सेंसिटिविटी। अकॉर्डिंग टू सेंसिटिविटी थर्मिस्टर इज द हाइएस्ट। ओके, थर्मिस्टर का सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा है, थर्मोकपल का लोएस्ट है और एंड आरटीडी इज लोकेटेड इन बिटवीन थर्मिस्टर एंड थर्मोकपल। ओके, द नेक्स्ट पैरामीटर इज लीनियरिटी। आरटीडी, थर्मिस्टर और थर्मोकपल में से लीनियर सबसे ज़्यादा लीनियर कौन सा था? आरटीडी। थर्मिस्टर इज द लीस्ट लीनियर। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मेजरमेंट रेंज। आरटीडी इज यूज टू मेजर टेम्परेचर बिटवीन -250 डिग्री सी टू 1000 डिग्री सी, वेयर एज थर्मिस्टर इज यूज फॉर लो टेम्परेचर एप्लीकेशंस, समटाइम्स एट द क्रायोजेनिक टेम्परेचर इट इज यूज, राइट। थर्मोकपल इज यूज फॉर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस, टेम्परेचर अपॉन 1400 डिग्री सी एटसेट्रा आर मेजर्ड बाई थर्मोकपल, राइट। ओके, नाउ पावर रिक्वायरमेंट। एज पर द पावर रिक्वायरमेंट आरटीडी एंड थर्मिस्टर आर पैसिव। इनको क्या करना पड़ता है कि दे नीड पावर फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स टू फंक्शन, बट थर्मोकपल इज एन एक्टिव डिवाइस, इट जनरेट्स इट्स ओन पावर। ओके, और यू कैन से इट इज सेल्फ पावर्ड, राइट। इफ यू टॉक अबाउट दिस सर्फेस देन थर्मिस्टर इज फ्रेजाइल एंड थर्मोकपल इज रगड। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस स्टेबिलिटी देन आरटीडी इज द मोस्ट स्टेबल among all these three and thermocouple is the least stable, right? Self heating की बात करते हैं तो there is self heating in RTD and thermistor, but in thermocouple there is no self heating. Okay? If we talk about the cost, then thermocouple is inexpensive, but RTD is expensive. Okay? Thermistor is in between RTD and thermocouple. Okay? Now as we are done with the comparison, let us see some points to remember. Okay? Thermocouple is the only device among RTD, thermistor and thermocouple which is simple in construction and it requires a reference. Due to this reference, one phenomena occurs in thermocouple which is called cold junction compensation. Okay? Like we basically compensate the cold junction temperature, right? If we talk about the accuracy, then RTD is the most accurate among RTD, thermistor and thermocouple. But the most important point here is order of measurement of temperature. मतलब highest range of temperature से lowest range of temperature हम कैसे measure करेंगे? सबसे पहले if the temperature is very high, we will go for pyrometers, ठीक है? Temperature अगर उससे थोड़ा कम है then we can go for thermocouples and then RTD and finally for low temperature applications we can go for thermistors, ठीक है? So if we remember this order of measurement of temperature from high to low, then we can actually choose our temperature sensor as per the requirement of the application basically. Okay, so that is it for today guys. आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। बाय।